आज मैं शुरुआत करता हूँ आप लोग साथ में नेक्स्ट लेक्चर की या फिर कहें कि नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें बात करूँ मैं 4 ईयर सीरीज को लेकर। पिछली जो हमारी क्लासेज रही हैं उसमें मैंने बात करी थी आपसे सिग्नल और सिस्टम्स को लेकर। सिस्टम्स के बारे में हमने बात करी कि कैसे हम उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, सिस्टम हमारा कोजल है या नॉन कोजल है, और फिर हमने लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंसी के बारे में देखा था। उन सभी के बारे में बहुत डिटेल तरीके से मैंने और काफी प्रैक्टिस भी आप लोग की वहां पर करवाई है। जिसने नहीं देखा है वहां पर जाकर एक बार जरूर देख ले भाई, क्योंकि आगे की चीजें जो है उनके साथ में लिंक होती हुई चलेंगी। क्योंकि जो हमारे पास में 4 ईयर सीरीज होगा हमें तभी पता लगेगा कि हम किस सिग्नल की हम डिफाइन कर सकते हैं और हमें डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है 4 ईयर सीरीज। तो वो सारा आज यहाँ पर जितना भी होगा उसको हम डेप्थ में पढ़ते हुए चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उसके शॉर्टकट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं आपके एग्जाम में, कैसे आप उसको इजिली क्रैक भी कर सकते हैं। देखिए जो आपकी पिछले गेट की बात करूँ तो गेट के अंदर में 87 से और हमारे पास में 21 तक, उसके अंदर से 18 से 19 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। पीएसयूज के अंदर में इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है क्वेश्चंस पूछने की, क्योंकि वहां पर बेसिकली आपसे ये डिफाइन करवाने की कोशिश करता है कि जो हमारे पास में फंक्शन थे, जैसे मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को दे दिया तो वहां पर पूछता है कि ये मेरे पास में इवन है या ओड है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आप लोगों से पूछ लेगा कि जो 4 ईयर सीरीज है उसके अंदर में कॉम्बिनेशन होता है नो डाउट ये कि साइन और कोसाइन सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि साइन का जो कोफिशियंट है वो क्या है, या फिर कोसाइन है उसका कोफिशियंट क्या है, या फिर कई बार आप लोगों से पूछ लेता है कि जो हमारे पास में डीसी सिग्नल है उस डीसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर लेता है। तो कैसे हमें इनको सोल्व करना है, चलिए उस चीज को आज हम यहाँ पर क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए जो भी हमारी पीडीएफ फाइल्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 ईयर सीरीज की बात करूं तो 4 ईयर सीरीज बेसिकली डिफाइन क्यों करी जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी एक सिग्नल है, मान लो ये मेरे पास में एक सिग्नल है और इसको मैं मेरे को इस तरह का दिख रहा है, मान लो मैंने एक रस्सी थी, एक लेट अस सपोज, या फिर आप ये मान लो कि गिटार का तार है ये, और गिटार के तार को हमने बांध रखा है बिल्कुल स्ट्रेट में, ये मेरे पास में स्ट्रेट जो रखा हुआ ये रहा, मैंने बीच में से इसको प्लग किया और ऊपर की तरफ में इसको उठा के और छोड़ दिया। अब क्या देखेंगे आप कि बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज कुछ ऐसी होंगी यहाँ पर आप लोगों को एक अलग ही तरह का इमेज बन रहा होगा, एक ट्रांजिशन आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोई इस तरह का आ रहा होगा, कभी यहाँ पर भी आ रहा होगा, फिर यहाँ पर भी आ रहा होगा, और इस साइड भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का ट्रांजिशन दिख रहा होगा। लेकिन आप उसको गौर से देखेंगे तो केवल और केवल आपको एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन ट्रांजिशन जो है इनके गैप के बीच में भी आपको दिखाई देता है। अब ये हुआ क्या है यहाँ पर कि जब आप बीच के अंदर में कंसिडर करेंगे इस वाले को, तो मान लो कि पहला जो मैंने उसको प्लग करके और ऊपर से जब मैंने छोड़ा उसको थोड़ा वाइब्रेट करना शुरू किया, तो उस पर्टिकुलर की एक फ्रिक्वेंसी थी जिसको हमने ओमेगा नोट से रिप्रेजेंट किया। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने उसको प्लग किया तो उसके इंटरनली बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज और जनरेट हो जाती है, जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है उसकी मल्टीपल्स होती है। जैसे पहला मान लो मेरे पास में ये फ्रिक्वेंसी से आ रहा था जिसके अंदर में एक साइकिल बन रही थी, अब मान लो कुछ इस तरह का आया, एक यहां पर बन गई और ये दूसरी, यानी कि यहां पर आप बोल सकते हैं कि मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, 2 ओमेगा नोट हो गई, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी उसका 2 टाइम्स हो गई है। फिर तीसरा अगर यहां पर आप देखेंगे बहुत गौर से देखेंगे जो मैं ट्रांजिशन बता रहा हूं, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी बन रही हो, 3 फ्रीक्वेंसी, 4 फ्रीक्वेंसी, कुछ भी वहां पर बन सकता है। तो आप मानेंगे कि ये मान लो 3 ओमेगा नोट है, फिर आप देखेंगे तो कहीं 4 ओमेगा नोट भी मिलेगा आपको। तो यहां पर हुआ क्या कि आपको ओरिजिनली तो एक दिख रहा है, जैसे आपने गिटार को प्लग किया तो यहां पर आपको दिख तो एक रहा है ये, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज का है यहां पर। अब हमारा 4 ईयर सीरीज का मेन मोटिव ये कहता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है जो आपको और साइनोसॉइडल सिग्नल्स अंदर दिख रहे हैं, मैंने एक वर्ड बोला है, जो भी आपको इंटरनली साइनोसॉइडल सिग्नल दिख रहे हैं, क्या बोला मैंने कि जितने भी हमारे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं जो कि क्या होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं। हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी थी यानी कि ओमेगा जो मैंने व्हाइट कलर से यहां पर दिखाई है, उसके सारे क्या है, ये मल्टीपल है। आप देख पा रहे हैं ओमेगा का मल्टीपल 2, ओमेगा का मल्टीपल 3, ओमेगा का मल्टीपल 4, यानी कि इतनी फ्रिक्वेंसीज के मेरे पास में सिग्नल यहां पर रह रहे हैं। तो आपको करना क्या होता है, जो 4 ईयर सीरीज यहां पर आपकी हेल्प करती है वो बेसिकली इन साइनोसॉइडल सिग्नल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है जो कि क्या होते हैं अपने आप में, हार्मोनिक्स होते हैं। अब यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो भी मैंने वेव बनाई है, अगर इंटरनली मैंने कोई वेव बनाई है तो कुछ इसी तरह की बनाई है, और ये अपने आप में क्या, एक साइनोसॉइडल सिग्नल है। अब ये साइनोसॉइडल सिग्नल 2 तरह के हो सकते हैं हमारे पास में, या तो ये हो सकते हैं कोसाइन, या फिर ये हो सकते हैं मेरे पास में
जो साइन हो सकते हैं, साइनोसाइडल हो सकते, जो साइन फॉर्म में हम लिखते हैं, और दूसरे मेरे कोसाइन फॉर्म में आप इसको जानते हैं। इन दोनों को ही हम साइनोसाइडल सिग्नल के नाम से जानते हैं। अब आपको करना क्या होगा इसके अंदर में, फोरियर सीरीज में जो बेसिक डेफिनेशन थी कि इन साइनोसाइडल सिग्नल जो कि अपने आप में हार्मोनिक्स हैं, पहली चीज, दूसरा ये अपने आप में ऑर्थोगोनल भी होते हैं, जो भी ऑर्थोगोनल सिग्नल है इनको फाइंड आउट करना ही हमारा क्या होता है, मेन मोटिव होता है किसके अंदर में, फोरियर सीरीज के अंदर में। तो बेसिक क्लैरिटी आपको फोरियर सीरीज की निकल कर आनी चाहिए कि जितने भी हार्मोनिक्स हैं जो कि अपने आप में ऑर्थोगोनल होते हैं। अब ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में सिग्नल X1T है और दूसरा सिग्नल मेरे पास में X2T है, ये दोनों सिग्नल हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करें X1T X2T, और इसको पूरे जो भी हमारे पास में सिस्टम था या जिसके जितने भी टाइम पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं, मान लो जीरो से मैं टी टाइम तक बात कर रहा हूं, तो ये जो सिग्नल्स होते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन अगर मेरे पास में जीरो आ रहा है, यानी कि उसका इंटीग्रेशन मेरे पास में जीरो आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि बोथ ऑफ द सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल इन नेचर। और ऑर्थोगोनलिटी का मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंस भी बताई थी जब मैं बात कर रहा था पावर और सिग्नल, पावर और एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए, कि जब भी हमारे पास में सिग्नल अगर ऑर्थोगोनल है तो हम उनके पावर्स को डायरेक्टली एड ऑन भी कर सकते हैं। आप जाकर हमारा जो सिग्नल्स का चैप्टर था शायद 6 या 7 जो हमारे पास में, जिसके अंदर में मैंने एनर्जी और पावर के बारे में बात करी थी, वो लेक्चर आप जाकर देखेंगे तो ऑर्थोगोनलिटी के बारे में क्रिस्टल क्लैरिटी आपके माइंड के अंदर में सेट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास में हार्मोनिक जो होते हैं उन हार्मोनिक्स को जो कि अपने आप में ऑर्थोगोनल है, अब हार्मोनिक साइन भी हो सकता है और कोसाइन भी हो सकता है, उनका हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा साइन कौन सी फ्रिक्वेंसी का यहां पर मेरे पास में अवेलेबल होगा। अच्छा जी, अब क्या हम हर सिग्नल का यहां पर फोरियर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं? जी नहीं, फोरियर सीरीज डिफाइन करने के लिए केवल और केवल आपको जरूरत पड़ती है अपने जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उनकी। अभी पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं भाई, पीरियोडिक सिग्नल का मतलब होता है कि वो सिग्नल जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मेरे पास में मान लो ये साइनोसाइडल सिग्नल है, मैंने कुछ इस तरह का सिग्नल बना दिया, अब आप इसके अंदर में देखेंगे कि अगर मैं इसको बाइफर्केशन करूं, एक 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 सिग्नल हो गया, ये दूसरा सिग्नल हो गया, ये तीसरा सिग्नल हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है अगर यहां तक की मैं बात करूं, इस पूरे की जीरो से टी टाइम तक की बात करूं, तो यही सिग्नल उठकर कहां पर चला गया, यहां पर आ गया, यही सिग्नल उठकर मेरे पास में कहां पर आ, यहां पर आ गया, यानी कि ये अपने आप में क्या कर रहा है, कुछ टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर यहां पर रिपीट कर रहा है मेरे को जो भी सिग्नल हमने यूज किया है, देन दिस सिग्नल मस्ट बी पीरियोडिक इन नेचर। तो फोरियर सीरीज केवल और केवल डिफाइन कर सकते हैं हम किसकी, जो हमारे पास में पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, और पीरियोडिक सिग्नल के अंदर में हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हम इसको डिफाइन करते हैं, ताकि जितने भी मेरे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल जो कि अपने आप में ऑर्थोगोनल है उनको हम फाइंड आउट कर सके, यानी कि ये जो इंटरनल इसके अंदर में सिग्नल्स बन गए हैं उन सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड और साइन है या कोसाइन है वो हम इजीली इसके अंदर में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी कहानी और इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर में बात करेंगे कि भाई क्या कंडीशंस होनी चाहिए फोरियर सीरीज डिफाइन करने के लिए। तो इनके लिए हम एक डिरिचलेट कंडीशंस के नाम से जानते हैं। चलिए यहां पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको भी रब कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं कि जो मेरे पास में कंडीशन होनी चाहिए, कि अब हर किसी का तो पहली चीज तो ये होगी भाई, जो मेरे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल, सॉरी, जो मेरे पास में पीरियोडिक सिग्नल है उनके हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन कर सकते हैं उसके बाद भी हमारे पास में उनके हम डिफाइन कर सकते हैं लेकिन किसके हम एक्सपेंशन कर सकते हैं उसके कुछ कंडीशंस मेरे पास में आ जाती है। तो कंडीशंस आप इसकी नोट कर सकते हैं, कंडीशन फॉर द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या रहेंगे कंडीशंस, और इनको हम जानते हैं डिरिचलेट कंडीशंस के नाम से, DIRICHLET conditions, इनको हम डिरिचलेट conditions के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पहली जो कंडीशन कहती है कि भाई जो भी मेरे पास में सिग्नल है, जो भी सिग्नल है उसके अंदर में फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट मैक्सिमा और फाइनाइट मिनिमा बनने चाहिए, फाइनाइट मिनिमा, ये दोनों चीजें अगर उसके अंदर में बन रही है तो आप उसका फोरियर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फोरियर सीरीज उसका एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये क्या, कैसे हम इसको इसके अंदर फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा से हमें क्या मतलब होता है, फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा से मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास में एक सिग्नल है, लेट अस सपोज मैं एक ट्रायंगुलर सिग्नल बना रहा हूं, ये ट्रायंगुलर सिग्नल हो गया और इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, हाँ ये चीज और ध्यान रखना कि जितने के अंदर में भी आप डिफाइन कर रहे हो ओवर टाइम पीरियड, जो भी आप अपना
टाइम पीरियड कर रहे हैं, मतलब टाइम पीरियड का मतलब है कि जो सिग्नल अपने आप को जितने टाइम के बाद में रिपीट कर रहा होगा उसे मतलब होता है। अब इसके केस के अंदर में आप देखो कि अगर मान लो ये जीरो से टी ये सिग्नल है, मैं इतना इसको सिग्नल जो है मेरे पास में इसको मान लेता हूँ कि ये अपने आप में उठ के और यहाँ पर रिपीट हो रहा है, फिर आगे भी रिपीट हो रहा होगा, इस तरह से कंटिन्यूटी से रिपीटेशन की चल रही होगी। तो आपको देखते ही ये पता चला यार ये पीरियोडिक तो है ये मेरे पास में। अच्छा ये पीरियोडिक है तो चलो इसकी पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि फाइनाइट मैक्सिमम और मिनिमम होने चाहिए इसके अंदर में। तो मैंने देखा कि ये मान लो जीरो और ये टाइम इसका टी है, तो ये इसका टाइम पीरियड। फिर यहां पर इसको देखेंगे तो टू टी, इसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा टू टी टाइम हो जाएगा, फिर ये थोड़ा देर बाद रिपीट होगा तो थ्री टी हो जाएगा। इस तरह से हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन मैं केवल इसको कंसिडर कर रहा हूँ जिस टाइम पीरियड के बाद में ये अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए जी यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं इस वाले से, ये देखो यहां से यहां तक ये भी तो रिपीट हो रहा है। बिल्कुल आपको जहां से लगे वहां से आप स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर में जो टाइम पीरियड है वो आपका जब भी रिपीटिशन का है वो सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं रह रहा है तो हमारे पास में पीरियोडिसिटी को फॉलो नहीं करेगा। यहां पर आपने देखा यहां से शुरुआत करी तो पहला मेरे पास मेरे को जो मिनिमम मैक्सिमम मिला ये मेरे को एक मैक्सिमम मिल गया, इसका नंबर कितना हो गया मैक्सिमम मेरे पास में कितना हो गया 1 हो गया। मिनिमा की बात करूं तो मिनिमा का मतलब जो मिनिमम वैल्यू यहां पर ही दे रहा है तो मिनिमा इसका कितना हो गया ये 1 हो गया। यानी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या हो गया फाइनाइट वैल्यूज रखने वाला सिग्नल हो गया। अगर ये फाइनाइट वैल्यूज रखने वाला सिग्नल है तो हम इसका क्या कर सकते हैं एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में आया जी इनफाइनाइट वाला भी तो बता दो, बिल्कुल भाई इनफाइनाइट वाला भी बताएंगे आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि ये मान लो मेरे पास में सिग्नल है और ये कुछ इस तरह से रिपीट कर रहा है अपने आप को, ये यहां पर मैंने इसकी फ्रिक्वेंसीज को कम रखा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने फ्रिक्वेंसीज को बहुत ज्यादा कर दिया है ताकि मैं इसका दोबारा से आपको ये दिखा सकूं कि जो सिग्नल है कितनी देर के बाद में रिपीट कर रहा है। फिर मैंने कम फ्रिक्वेंसीज वाला रखा जो ये सिग्नल था इसी को मैंने रिपीट करवाया, यहां पर नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद में मैंने फिर जो कम फ्रिक्वेंसीज वाला है वो दिखाया इसके अंदर में। तो आप ये मानोगे कि भाई ये सिग्नल था जो यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट किया है, ये पर्टिकुलर सिग्नल है ये वाला, ये कितनी देर के बाद में रिपीट कर रहा है अपने आपको इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट कर रहा है। यानी कि यहां से जो सिग्नल था जीरो से टी टाइम अगर इसका मान लो तो ये अपने आप को रिपीट यहां पर कर रहा है और ये वाला सिग्नल यहां पर रिपीट कर रहा है। यानी कि ये अपने आप में पीरियोडिक सिग्नल है जो कि सिग्नल्स का रिपीटेशन होता है। जरूरी नहीं कि एक ही सिग्नल अपने आप रिपीट कर रहा हो, जैसे इसके अंदर में दो सिग्नल्स मैंने दे दिए एक ये फ्रिक्वेंसी का और एक ये फ्रिक्वेंसी का, तो ये अपने आप को इतने टाइम के बाद में रिपीट कर रहा है और ये अपने आप को इतने टाइम के बाद में, और इसी तरह से कंटिन्यूटी बन रही होगी। लेकिन हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस ड्यूरेशन के अंदर में यानी कि जो टाइम मैंने दिया है वो सिग्नल जो रहेगा वो मेरे पास में अपने आप को रिपीट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में, तभी मैं कहूंगा कि मेरे पास में सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है। यानी कि यहां पर रिपीट किया इतने टाइम के बाद में दोबारा रिपीट करेगा, इतने टाइम के बाद में फिर दोबारा रिपीट करेगा, तो आप देखेंगे कि पीरियोडिसिटी को फॉलो कर रहा है। अब यहां पर मेरा मेन मोटिव क्या था कि हमें ये चेक करना था कि इसके अंदर में फाइनाइट नंबर ऑफ जो मेरे पास में मैक्सिमा और मिनिमा है या नहीं है। अब इसका टाइम इंटरवल क्या लोगे आप, टाइम इंटरवल ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का सिग्नल मेरे पास में टाइम इंटरवल का जो जीरो से टी मान लू मैं इस पॉइंट से और जब ये दोबारा रिपीट कर रहा है जीरो टू टी मान लू मैं इसको। अब इसके अंदर में आप देखो कि जितने भी नंबर्स हैं ये तो मैंने क्या होगा इसके फाइनाइट नंबर ऑफ जो मैक्सिमा और मिनिमा बनाए हैं, लेकिन आप जब इसको एक्चुअल में देखेंगे तो नंबर ऑफ जो मैक्सिमा और मिनिमाज बन रहे होंगे वो इनफाइनाइट नंबर्स बन रहे होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो ऐसे सिग्नल्स का हम क्या नहीं कर सकते, इनका फोरियर सीरीज जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बन रहे हैं। तो पहली कंडीशन डिसलेक्ट की यही थी कि आपको अगर किसी का फोरियर जो मेरे पास में एक्सपेंशन करना है तो इट मस्ट हैव द फाइनाइट मैक्सिमा एंड फाइनाइट मिनिमा। ठीक है चलिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा मेरे पास में प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी मेरे पास में सिग्नल है उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। अब ये डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है भाई, डिसकंटिन्यूटीज का मतलब होता है कि जहां पर मेरा सिग्नल जो है उसका हम ना तो उसका डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन है वो डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको अगर डेरिवेटिव करना चाहें तो उसके उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम उसकी दो वैल्यूज वहां पर डिफाइन हो जाती हैं, तो ऐसे सिग्नल को बोलते हैं डिसकंटिन्यूस सिग्नल आ गया मेरे पास में। ठीक है तो ये कैसे हम बताएंगे कि मेरे पास में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है या नहीं है। लेट अस सपोज मेरे पास में एक सिग्नल है, ये मैंने बना दिया एक स्क्वेयर सिग्नल मैं बना लेता हूँ, ये यहाँ से ये यहाँ पर और ये मेरे पास में यहाँ पर आ गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सिग्नल है वो इतने टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। यानी कि ये सिग्नल था फिर ये आया फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिग्नल यहाँ पर फिर दोबारा चला गया। तो मैं इसका टाइम इंटरवल अगर यहाँ से मान लूँ कि ये मेरे पास में जीरो है और ये इसका टी नोट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डिसकंटिन्यूटी यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये -1 भी वैल्यू रख सकता है और माइनस सॉरी
अगर ये वैल्यू मेरे पास में +1 है और नीचे वाली वैल्यू को मैं -1 मान रहा हूँ, तो एक ही पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में, इस टाइम के ऊपर में इसके पास में दो डिसकंटिन्यू दो वैल्यूज हैं, यानी कि +1 भी है इसके पास वैल्यू और -1 भी वैल्यू है इसके अंदर में, यानी कि एक इसकी डिसकंटिन्यूटी आ गई। दूसरे की बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी आप देखोगे तो एक वैल्यू यहाँ पर रख रहा है और दूसरी वैल्यू यहाँ पर रख रहा है, यानी कि +1 एक और डिसकंटिन्यूटी आ गई। उसी तरह से जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएंगे तो टी नोट यहाँ पर खत्म हो गया, तो आपने देखा कि इस पूरे सिग्नल के अंदर में कितनी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज थी, दो थे मेरे पास में डिसकंटिन्यूटीज। यानी कि आप इस सिग्नल की बात करोगे तो यहाँ पर मेरे पास में इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो आप इसका फोरियर एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि भाई कब नहीं कर सकते। जैसे मैं एक सिग्नल ले रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, और ये मान लो 0 है मेरे पास में, और यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ ये कुछ इस तरह से, ये अपना सिग्नल है और ऐसे इनफाइनाइट तक ये चलता जा रहा है। फिर हमने देखा थोड़ी देर के बाद में टी नोट टाइम के बाद में सिग्नल फिर से रिपीट किया ये फिर से, और अब आप देखो अगर मैं इसको यहाँ पे तो मैंने फाइनाइट नंबर्स में दिखाया, लेकिन आप जब इसको एक्चुअल में देखेंगे तो बहुत सारी हमारे पास में यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज निकल कर आ रही होंगी। तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर में जो केवल दो थी, यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि फाइनाइट नंबर्स नहीं होंगी, बहुत ज्यादा हमारे पास में डिसकंटिन्यूटीज होंगी, तो इसलिए इन सिग्नल्स के हम क्या नहीं कर सकते, फोरियर सीरीज जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में सेकंड पोस्टुलेट था, किसका, जो डिसलेट थे उन्होंने जो कंडीशन दी थी कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज उसके अंदर में होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसकी थी प्रॉपर्टी, उसमें इन्होंने बोला कि भाई जो सिग्नल है मेरे पास में वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, यानी कि जो भी उसका टाइम पीरियड आप लोगों ने बोला है, टी नोट टाइम पीरियड आप लोगों ने अगर उसको डिफाइन किया कि भाई टी नोट टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान वो पूरे उस अपने आप में क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप बात करें कि मान लो मेरे पास में सिग्नल है और इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स टी से, एक्स टी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको मैं मॉडुलस यहाँ पर यूज करते हैं जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर टी नोट टाइम के ऊपर में मैंने इसको इंटीग्रेट किया है, तो ये लेस देन अगर मेरे पास में इंफिनिटी आ रहा है तो हम कहेंगे कि मेरे पास में क्या हो गया, उसका फोरियर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्या मतलब होता है कि भाई हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम उसके अंडर जो भी कर्व मेरे पास में बनी है उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास में कर्व है, ये कर्व हो गई है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से t टाइम के बीच में, तो ये बेसिकली बताएगी इस कर्व के नीचे मेरे पास में एरिया कितना है। अब किसी के दिमाग में आया जी नहीं, ये बताओ इस तरह का स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो भाई कोई अलग कहानी थोड़ी ना। यहाँ पर भी तो वही है कि जो कर्व यहाँ पर बनी है, जो स्क्वायर मेरे पास में बना है, इसके अंदर में जितना भी मेरे पास में एरिया आ रहा है बेसिकली वही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जो भी मेरे पास में सिग्नल है, मान लो साइनोसॉइडल सिग्नल मैंने ले लिया है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो इंटरवल लिया था मैंने 0 से t, क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर पा रहा हूं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे 0 से t मेरे पास में इसको इंटीग्रेट आप कर पाएंगे, यानी कि ये एरिया भी कवर कर पाएंगे, और दूसरा जो आपने देखा ये एरिया भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रेबल हो गया मेरे पास में। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे पास में जो अगर इस सिग्नल, पहला मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को लेके दिखाता हूँ कि मान लो मेरे पास में सिग्नल है जो कि एक स्क्वायर वेव टाइप में मैंने दिखा दी, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये फिर रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है, और ये रिपीट कर रहा है, क्या आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। यानी कि अगर मैं सिग्नल को यहां से शुरुआत करता हूं तो यहां के बाद में दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका एरिया आप कैलकुलेट कैसे करोगे, यहां पर स्क्वायर है तो इसके अंदर में क्या जाएगा, कुछ पर्टिकुलर एरिया आ जाएगा, यहां पर 0 है ये 0 आ गया, मान लो यहां पर 4 आया और ये अंदर में इसके अंदर में कितना है 0, तो टोटल एरिया कितना हो गया मेरे पास में 4, और 4 क्या है, लेस देन मेरे पास में इन्फिनिटी है, लेस देन इन्फिनिटी है, तो ऐसे सिग्नल्स का मैं क्या कर सकता हूँ, फोरियर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर पूछे जाते हैं कि भाई ये मेरे पास में इवन है या ओड है, एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, सभी कैलकुलेशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास में इसके में दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर इसके एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं एक्स टू टी दिया, मैंने एक्स टू टी और टेन मैंने 10 दे दिया, 10 t मैंने दे दिया आपको सिग्नल, क्या 10 t को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो उसका जो जब भी हम किसी 10 10 सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट नहीं आती है, इसका हमेशा क्या आता है मेरे पास में इनफाइनाइट आता है। यानी कि ऐसे सिग्नल जैसे 10 हो गया, कोट हो गया, इनको हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास में सिग्नल होंगे इनको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इनकी फोरियर सीरीज हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंडर में जो भी एरिया आप लेके आओगे, यानी कि एक्स टी सिग्नल जहां पर रखोगे आप, तो वो एरिया जो है वो या तो इन्फिनिटी आएगा या फिर जो मेरे पास में फाइनाइट वैल्यू उसके हमें अवेलेबल नहीं होगी, फाइनाइट वैल्यू हम उसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो द एक्सपेंशन ऑफ दिस सिग्नल्स इज नॉट पॉसिबल।
बेसिकली इस क्लास के अंदर में मैंने आप लोगों से बात करी कि जो हमारे पास में डिरिचलेट कंडीशंस होती हैं वो कैसे आपको डिफाइन करनी होती है, कैसे आप उनके थ्रू अपने फोरियर सीरीज को जो हमारे पास में डिफाइन कर सकते हैं, और कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं जिनके हम फोरियर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं बात करूंगा कि मेरे पास में फोरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है वो कितने तरह का होता है। जैसे हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास में सिग्नल्स होते हैं उनका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आपके गेट के एग्जाम के अंदर में उनको मैं कवर अप करता चलूंगा, और आप जितना भी यार आप कोशिश कीजिएगा आप अपने सिलेबस को ना जल्दी से कवर करने की कोशिश करते आइएगा। जितने भी मैंने लेक्चर अभी डाल दिए हैं उनको एक बार जल्दी से गो थ्रू हो जाइए और इनके नोट्स भी आप प्रॉपरली मेंटेन करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वीडियो को जितना भी जितना जल्दी आप देख लेंगे, जितने हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं, हम 100 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं। जिस दिन इसके ऊपर में 100 व्यूज आ जाएंगे, 100 लोग इसको देख लेंगे, उस दिन हम अपना नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है।